कोविड-19 संक्रमण और JEE-AES की रोकथाम और उस पर प्रभावी अंकुश लगाने संबंधित बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में NXC भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कोविड-19 के सैंपल कलेक्शन कम होने पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए MOIC बांसगांव, बेलघाट, डेरवा, जंगल कौड़िया तथा पिपराइज का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश CMO को देते हुए कहा कि जिस भी CHC-PHC पर प्रतिदिन 100 से कम टेस्टिंग हो रही है उस CHC-PHC के लैब टेक्नीशियन का वेतन रोकते हुए उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए और संतोषजनक स्पष्टीकरण न होने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मंडलायुक्त ने मृत्यु दर कम करने तथा टेस्टिंग बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि डोर टू डोर सर्वे माह में कम से कम 20 दिन कराया जाना आवश्यक है। इसके लिए माइक्रो प्लान बनाकर कार्य किया जाए और अपनी क्षमता एवं संसाधन के अनुसार माइक्रो प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की कमी हो तो संज्ञान में लाएं ताकि उसकी व्यवस्था की जा सके, लेकिन सही व ससमय डाटा एंट्री होनी चाहिए। सभी को अपने दायित्व निर्वहन करने हैं और जो अपने दायित्व निर्वहन के प्रति लापरवाही करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त मंडलायुक्त ने JEE-AES की प्रगति की भी समीक्षा की। इस अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी CDO इंद्रजीत सिंह, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, सभी उप जिलाधिकारी, AD हेल्थ, CMO, सभी CHC-PHC प्रभारी एवं प्राइवेट अस्पतालों के चिकित्सक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि जब आपने एंटीजन ले लिया तो उसका कंसाइनमेंट जनरेट करेंगे, जब RT-PCR लेंगे फिर कंसाइनमेंट जनरेट, यही चक्कर है। दो दो बार इतना पतने का कंसाइनमेंट जनरेट करने को अवॉइड करते हैं। अदरवाइज आप सबको पता है कि किसका RT-PCR लिया जाना है और किसका एंटीजन लिया जाना है। नया उसका गाइडलाइन भी आया था, कंटेनमेंट जोन को फोकस नहीं किया जा रहा। रूरल में अर्बन में तुम्हारे इतने केसेस हो गए हैं कि हर एरिया कंटेनमेंट जोन रह के या तो खत्म हो गया या चल रहा। वहां पे तो सैंपलिंग सर इस तरह से प्लान करते हैं कि कंटेनमेंट जोन की सैंपलिंग होती है। सैंपलिंग में दो इशू हम आप लोगों को और बताना चाहेंगे। पहला कि कोई आईडी नहीं देखी जा रही। RRT टीमें जो हमें शिकायत कर रही हैं CDO सर को कर रही हैं कि मोबाइल नंबर और वो जो एड्रेस उसमें लिखा है उस पर वो व्यक्ति मिल ही नहीं रहा। और यही हाल है जब हमारे जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करते हैं वो फोन करते हैं तो वो कहीं और का होता है या तो मोबाइल नंबर गलत होता है। एरिया भी अर्बन में प्रॉब्लम करता है। जटेपुर को लिस्ट दे दी गई, पता लगा वो गोरखनाथ में है। आईडी हमारे ख्याल से सर अगर फिजिबिलिटी हो तो एनी आईडी वो व्यक्ति अगर शो करे, क्योंकि वो कुशीनगर का है और उसने कहा मैं गोरखनाथ में रहता हूँ, गोरखनाथ लिख दिया, RRT टीम नहीं ढूंढ पाती उसको। मोबाइल नंबर भी गलत देते हैं लोग। और अभी सभी को ये यहाँ पे टेस्टिंग होगी, हम वहाँ पे एक बैनर लगवाएंगे कि एक हम लोग का ऑनलाइन अपनी रिजल्ट देखने के लिए वेबसाइट है, उस पर जाइए, आपके मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसे फीड करिए, आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। यदि मैं सैनिटाइज करते हैं उसके बाद रोकना शुरू किया तो ये ट्रेंड में कम हुआ, तो मुझे सबके SDM साहब लोगों को ये कहना चाहूँगा सर देखिए माइग्रेंट आए थे यहाँ पड़ा था वहाँ पड़ा था पड़ेगा, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है अंडर होने के बाद सारा चीज हो गया है, सारा चीज अब चारों तरफ से खतरा है। ऐसा नहीं कि जहाँ माइग्रेंट आ रहे हैं वहाँ पर हमें सोच रहे, क्योंकि अब हम ये इंटरेस्ट है 3 महीना में आपका पॉजिटिविटी रेट और एक सिंपल कलेक्शन उन लोगों के बारे में बता रहा है। जैसे बांसगांव में आप देख सकते हैं बेलघाट में सैंपलिंग थोड़ा कम हुआ है, देरवा कम हुआ है, तो हम आगे सैंपलिंग का रिजल्ट देखेंगे। गोरखपुर अर्बन सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट था। अगर आप सैंपल कलेक्शन देखते हैं तो देखिए जितना सैंपल कलेक्शन गोरखपुर लेके आया उसका वजह से ही आपका पॉजिटिविटी रेट गोरखपुर अर्बन का 6% आ गया लगभग 13% से। और 13 कॉन्टिनेंट
होने इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉन्टिनेंट कौन से रखते आपने 30 सैंपल किए हैं पिछले 10 में। 20 लोग का मतलब आप समझते हैं 5 परिवार। आप सो रहे हैं और आपकी पूरी टीम सो रही है। विस्तृत समीक्षा हुई है सभी ब्लॉकों की यहाँ पर गोरखपुर में, और जैसा कि आप जानते हैं कि गोरखपुर में 200 से अधिक मौतें हुई हैं कोविड से, और हमारी जो कार्य प्रणाली है हमें उसको फिर से समीक्षा करने की आवश्यकता है जिससे कि इसको हम और कंट्रोल कर सकें। 60 लाख से प्लस का जनपद है और इसमें पॉजिटिविटी रेट पिछले महीने से निश्चित कम हुई है और उसमें हमें सफलता मिली है, टेस्टिंग बहुत बड़ी है। और अब हम आशा करते हैं कि आज हम लोगों ने जो डेथ एनालिसिस की है, विभिन्न फैसिलिटीज़, प्राइवेट डॉक्टर्स, IMA, BRD मेडिकल कॉलेज, अर्बन PSC, ग्रामीण अंचल में जो PSC है उससे हमें मदद मिलेगी और हम जो कोविड मैनेजमेंट है उसको हम और इम्प्रूव कर पाएंगे। JEES पर भी समीक्षा की गई है। पिछले साल से हमारा अभी तक संचारी रोग पर जो नियंत्रण है काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये लड़ाई और गंभीरता से और डीप रूटेड जाके लड़नी है, जिसमें और विभागों का भी योगदान है। उन सभी को अपने रोल को ठीक से प्ले करने के लिए कहा। कार्रवाई देखिए, उद्देश्य कार्रवाई का किसी को परेशान करना है, किसी को दंडित करने से ज़्यादा ये है कि हम सभी अपना दायित्व का निर्वाह करें, और जिन जिन का यदि कहीं पर उसमें नज़रअंदाज किया जाता है या निगलेक्ट किया जाता है तो उसमें कार्रवाई की आवश्यकता होती है। हम लोगों ने 5 जो ब्लॉक PSC हैं जहाँ पर सैंपल टेस्ट बहुत कम हो रहा है उनका स्पष्टीकरण लिया है, और यदि वो संतोषजनक नहीं होगा तो उसमें फिर एक्शन होगा।